नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सनातन लोक पर। लास्ट वीडियो में हमने माता के तीसरे स्वरूप माता चंद्रघंटा की कथा एवं ध्यान मंत्र के विषय में बताया था। आज हम बात करेंगे माता के चौथे स्वरूप कुष्मांडा माता के विषय में। उससे पहले आप सभी से अनुरोध है, इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि नवरात्रि में आगे आने वाली माता की सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा की उपासना का विधान है। माँ कुष्मांडा की आराधना के समय साधक का मन अनाहत चक्र में अवस्थित होता है। कुत्सित है उष्मा कुष्मा त्रिविधतापयुत है संसार है से अंडे मांस पेशयाम उधर रूपायाम यशासा कुष्मांडा, अर्थात त्रिविध तापयुक्त दैहिक दैविक एवं भौतिक संसार जिनके उदर में स्थित है वे भगवती कुष्मांडा कहलाती हैं। अष्टभुजा के नाम से विख्यात माँ कुष्मांडा के सात हाथों में कमंडल धनुष बाण कमल अमृत कलश चक्र तथा गदा है। भगवती के आठवें हाथ में अष्ट सिद्धि व नवनिधियां प्रदान करने वाली जपमाला है। भगवती कुष्मांडा का वाहन सिंह है। अपनी मंद स्मित मुस्कान से ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्मांडा देवी के नाम से अभिहित किया गया। भगवती कुष्मांडा ही सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति हैं। इससे पहले ब्रह्मांड का अस्तित्व था ही नहीं, सर्वत्र अंधकार परिव्याप्त था। भगवती ने अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। सूर्य मंडल के अंतरलोक में इनका निवास है। इनके शरीर की कांति व प्रभा सूर्य के सदृश दीप्यमान व भास्वर है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं व प्राणियों में अवस्थित तेज इन्हीं की छाया है। कुष्मांडा देवी को कुमड़े अर्थात पेठा का भोग सर्वाधिक प्रिय है। भगवती कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक विनष्ट हो जाते हैं। माँ कुष्मांडा की भक्ति से आयु यश बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। इनकी उपासना निसंदेह सुख शांति व समृद्धि देने वाली है। इनकी कृपा से मनुष्य सहज ही भवसागर पार कर जाता है। माता कुष्मांडा के ध्यान का मंत्र इस प्रकार है, सुरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुतमेव च दधानाम हस्तपद्माभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु मे। माता कुष्मांडा का प्रार्थना मंत्र इस प्रकार है, या देवी सर्वभूतेषु मां कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, अर्थात हे मां सर्वत्र विराजमान और कुष्मांडा के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। माँ कुष्मांडा की उपासना मनुष्यों को व्याधियों से सर्वथा विमुक्त करके उसे सुख समृद्धि और उन्नति की ओर ले जाने वाली है। अतः अपनी लौकिक एवं पारलौकिक उन्नति चाहने वालों को इनकी उपासना में सदैव तत्पर रहना चाहिए। दोस्तों, यह थी माता के चौथे स्वरूप माता कुष्मांडा की कथा एवं ध्यान मंत्र। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, ताकि माता की ये वीडियो माता के सभी भक्तों के पास पहुंच जाएं और माता के सभी भक्त माता की कथा एवं दर्शनों का पुण्य प्राप्त कर सकें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में माता के पांचवें स्वरूप स्कंद माता की कथा के साथ। धन्यवाद दोस्तों।